दोस्तों नमस्कार, पांडे क्रूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों न्यू करियर अपॉर्चुनिटी के साथ मैं हाजिर हूं, तो आप सभी का पांडे क्रूज चैनल में आप स्वागत है। तो हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। तो इस वीडियो में देखेंगे कि जो एक वैकेंसी निकली हुई, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, जो एक गवर्नमेंट कंपनी में निकला हुआ है। तो एक जो संस्था का नाम है उसका नाम है बेसिल, BECIL, जिसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये एक गवर्नमेंट मिनी रत्नम कंपनी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये मिनी रत्न कंपनी। तो क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, अपडेटेड वीडियो रेलवे एग्जामिनेशन का, बैंक एग्जामिनेशन के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है क्या रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, वो जो प्रोफाइल है वो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो आप एक ग्रेजुएशन है और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में को जाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब जाने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो कि डिजायरेबल। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजायरेबल दिया हुआ, ये मैंडेटरी नहीं है, आपको होना है तो आपका बेनिफिट होगा सिलेक्शन में। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन यूथ एक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट और अदर सोशल सेक्टर इंक्लूडिंग वॉलेंट्री वर्क इन ए रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल कंप्यूटर रिपोर्ट राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल विल बी प्रीफर्ड। तो ये मैंडेटरी स्किल नहीं है, ये स्किल आपके पास है तो वेरी गुड, आपको रैंक पॉइंट अच्छे मिलेंगे और आपको सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन का जो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है टोटल 300 है, और जो आपको पे आउट होगा 31,900 मीन्स 32,000 के अराउंड होगा। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 25 साल है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो 30 साल है, और OBC के लिए जो भी मिलता है वो अलग से मिलता है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मत समझिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाने के बाद ही वहाँ पे वर्क करने के बाद उसी को परमानेंट किया जाता है, वो बाहर से कोई परमानेंट हायर नहीं करते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा, जो सिलेक्शन होगा, उसका जो प्रोसेस क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विल बी मेड थ्रू द ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि होगा 75 मार्क का इन द 3 फेज फॉलोड बाय द पर्सनलिटी इंटरव्यू, जो भी होगा इंटरव्यू, और जैसे कि सारे एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में होता है। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी हेल्ड स्टेट वाइज, जोन वाइज, देयर फॉर ऑल द कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम द स्टेट कंसर्न। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिप्लॉय इन द स्टेट कंसर्न ओनली, हैव अ प्लेसमेंट इन आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट विल बी द सोल डिस्ट्रिक्ट ऑन द NYKSE। नो पर्सन विल बी डिप्लॉय एट द हिज होम डिस्ट्रिक्ट, मीन्स आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में आप होने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मांगेंगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप ये वेबसाइट पे जाके www.bcil.com में जाके विजिट कीजिए, और एग्जामिनेशन का फ़ी है वो 1500 है, और जो SC ST के लिए 500 है, और एग्जामिनेशन जो लास्ट फॉर्म फिल करने का डेट है वो 21/5। तो उससे पहले आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ज़रूर अप्लाई करें और अपने करियर बनाएं इस गवर्नमेंट एजेंसी में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना है। जय भारत, जय हिंद।